शाहीन पब्लिक स्कूल पापा मौजूद हैं, जो अभी दो दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई थी उस हवाले से जो है वो बच्चे का जो है वो उन पेरेंट के बच्चे का जो है वो एडमिशन कैंसिल कर दिया है। तो स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं हमूदुर्रब साहब, हमूदुर्रब रिजवी साहब, वो इंशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं इंतज़ामिया से क्या कहते हैं। हमारे लॉयर भी मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। ये शाहीन पब्लिक स्कूल है और मैं आदिल अंसारी जो है मिर्ज़ा नदीम मिर्ज़ा साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पे शाहीन स्कूल पे मौजूद हूँ। और जो है यानी कि आप कोई इनकी बातों को एक्सपोज करें, इंतज़ामिया की हठधर्मी जो बदमाशी है, ज़बरदस्ती किताबें ख़रीदें, ज़बरदस्ती कोर्स ख़रीदें, उसके ख़िलाफ़ अगर आप जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस किस्म की इस माफिया ने बदमाशी लगा रखी है। ये तीन मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, तीन चार दिन से थ्रेड दी जा रही है। मैं इनके आउटलेट रूट पे गई थी और मैंने जो है ना इसमें ये कहा था कि भाई आप लोग स्टेशनरी के साथ क्यों दे रहे हैं हमें पूरा कोर्स, हमें बिना स्टेशनरी के चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, कंपलसरी स्कूल के आउटलेट आपको हर हाल में लेना है, अदरवाइज आपको कोर्स नहीं मिलेगा। तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया और एक वायरल वीडियो बनाई जो कि वायरल हो गई, ठीक है। उसमें जो है ना इन्होंने मुझे थ्रेड दिए चार दिन से, और दरवाजा बंद कर दिया इन्होंने, दोनों तरफ से लॉक कर दिया है। मुझे अंदर हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे साथ प्राइवेट एसोसिएशन के सदर, स्टूडेंट फेडरेशन के सदर, लॉयर्स खड़े हैं और इनको इन्होंने बाहर अंदर आने नहीं दे रहे। हम तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे और तमीजियां करते हैं। ये स्कूल का नाम बोलो। स्कूल का नाम शाहीन पब्लिक स्कूल कैंपस 1 पेरडी पे है। इन्होंने सिर्फ इस बिहाफ के मैंने इनके खिलाफ बोला जी। आप लोग स्टेशनरी के साथ ये कह रही है कि मुझे पूरी बुक और सारी चीजें चाहिए। मैंने वो वीडियो सिंपल सी बनाई और वो वायरल हो गई। जब वो वायरल हो गई तो इसके इन्होंने मेरे को थ्रेड देना शुरू की। चार दिन जब थ्रेड हुई है उसके बाद जाकर के मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला मेरी वाइफ को थ्रेड देने, आप मीटिंग कराए मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने बोला कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और वो कह रहे हैं इनके बच्चों को बोला। एक बात बताएं, आपको बाहर क्यों नहीं आने, बाहर क्यों नहीं, आपको बाहर क्यों नहीं आने दे रहे? मुझे नहीं आने दे रही, कह रहे हैं हम तुम्हारे खिलाफ FIR कटाएंगे। बोलो कटवाओ, कटवाओ, बोलो कटवाओ, हम खड़े हैं यहाँ पे, बोलो कटवाओ FIR। खड़े हैं जो बड़े लोग आए जी, बिल्कुल खड़े हैं। आप 15 पे फोन करें, ये रूट इनके पेटी दमाग के आए थे, ये चाहते हैं दुकान चमकी नहीं ना। मैंने लोगों को इनका चेहरा दिखा दिया। हस्बैंड को बुलाया, आप 15 पे कॉल करें कि आपको बंद कर दिया है, स्कूल के अंदर बंद कर दिया है आपको। आप 15 पे कॉल करके बुलाएं पुलिस को। हमने 15 पे है कि पुलिस अंदर बैठ के उनके साथ सेटिंग कर रही है, हमने अंदर गए तो हमें बाहर निकाल दिया। कोई कोऑपरेशन पुलिस के साथ में नहीं, बोलिए जो बात आपने कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन ले और इनके स्कूल को सील करें। बाकी बात देन भी इसने जाकर अपने बच्चों को यहां से निकालें ताकि इनका दिमाग सही हो। जी जी जी, ये बंद किया हुआ है इनको, पेरेंट्स को चौकीदार के रूम जी, चौकीदार के रूम में बंद किया हुआ है जी। और इनके रूट के जो बेटी धमाका है वो खुद ऑफिस में